हेलो फ्रेंड, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और इमली ने मालिनी को ऐसा सबक सिखाने का ठान लिया है क्योंकि उसके सामने आने वाला है सच। दोस्तों सत्य काम को इमली जाकर पूछती है गुस्से में कि आखिर उसने आदित्य को क्यों गोली मारी, और सत्य काम अपने जवाब देने के लायक ही नहीं बचता। और जब वो बताता है कि मुझे पता चला था कि वो तेरी सौतन के साथ और उसी से प्यार करता है और तुझे सिर्फ मैं नौकरानी बनाकर रखा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने आदित्य बाबू को ऊपर पहाड़ी से गोली मारकर गिरा दिया। और इमली जैसे ये सच सुनेगी कि घर से कौन कॉल कर सकता है, और उसके बाद उसे पता चल ही जाता है कि हो ना हो ये तो मालिनी ही हो सकती है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि ये रस्म तो कभी भी नहीं हो पाएगी। तो भाई इमली को पता चल जाता है मालिनी का सच, और अब मालिनी को फाड़ने के लिए इमली पहुंच जाती है और उसको सबक सिखाने का ठान लेती है कि अब, और उसको जाके उसके पास एक जोरदार थप्पड़ मारती है और सारे रिश्ते नाते बुलाकर उसको बुरी तरह से पीटते नजर आती है। तो मालिनी और अब इमली दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है, और इमली अब उस पर बंदूक भी तान देती है एक बार तो, और उसे पुलिस बचाते नजर आती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर इमली को नहीं है यकीन कि आदित्य की मौत हो चुकी है, और उसे पता है कि आदित्य कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और उसका दिल इस बात की गवाही दे रहा है कि अगर आदित्य उसको छोड़कर चला जाता तो वो खुद भी जिंदा नहीं रहती और उसका एहसास उसे जरूर होता। तो इमली इस बात पर यकीन नहीं करती है, लेकिन मालिनी इस बात से यकीन भी कर लेगी कि आदित्य इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इमली आदित्य को ढूंढने में लग जाएगी और इसीलिए वो पुलिस की वर्दी भी पहनेगी। शो में आएगा एक लीप, और इमली अभी भी आदित्य को ढूंढने में ही लगी हुई है, लेकिन आदित्य जिंदा है, उसका चेहरा, उसकी पहचान, उसकी याददाश्त सब कुछ बदल चुका है। लेकिन जैसे ही वो इमली को देखेगा उससे कोई ना कोई कनेक्शन तो उसे ज़रूर फील होगा। तो भाई यहीं से शुरुआत होने वाली है इमली के जिंदगी की एक नई शुरुआत, जहां पर हमें आदित्य एक नए लुक के साथ नजर आएगा और इमली से जल्दी ही वो टकराएगा। तो दूसरी तरफ मालिनी इस बात पर यकीन कर चुकी है कि वो आदित्य अब इस दुनिया में नहीं है, और वो जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लेगी, वो भी कुणाल के साथ। तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी।